My Savior and
things can defile us, even believers can defile us. बहुत सारी चीजें जो हमें अशुद्ध करती हैं, यहां तक कि विश्वासी भी हमें अशुद्ध कर सकते हैं. Paul said to separate from believers. और John said separate from believers. तुम अलग कर लो अपने आप को. You are not walking the way we walk. और जिस प्रकार से हम चलते हैं, इस प्रकार से वे नहीं चलते हैं. Separate yourself. इसलिए अपने आप को अलग कर लो. Jude said that. और यहूदा कहता है इस प्रकार से. All the apostles said that. और सारे प्रेरित यही कहते हैं. Those who count themselves to be believers but not walking the way that we walk and we have taught you to walk. और वे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं पर कि वे इस प्रकार से नहीं चलते हैं जो हम आपको सिखाते हैं. Yes. Matthew chapter 7 and verse 1 is what many people quote. और बहुत सारे लोग जो हैं मत्ती 7 के पहले आयत को कहते हैं. Yes. Frequently quoted to score their point. और अपने को जो है बड़ा करने के लिए वो इस प्रकार से जो है सात एक को. You know, this is a good example of wrongly dividing the word of God as we heard. और ये एक उदाहरण है कि लोग जो परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं. ये yes. उदाहरण है उसका. This is an example of that. ये उदाहरण है उसका एक. They take this word and say we cannot, should not judge anybody. और ये लेके कहते हैं कि हम दूसरों का न्याय ना करें. Do not judge and criticize and condemn others so that you may not be judged and criticized and condemned yourselves. किसी पे दोष ना लगाओ और आलोचना ना करो वरना तुम पे भी जो है दोष लगा जाएंगे और आलोचना की जाएगी. Judge, do not judge, criticize and condemn. और लोगों को दोष लगाने दोष लगाओ दोष मत लगाओ और तुम उन्हें डोंट क्रिटिसाइज उनको आलोचना ना करो एंड डोंट कंडेम दोष लगाने कंडेम उनकी निंदा ना करो. यस ऑलराइट ओके. नाउ दिस स्क्रिप्चर इज वेरी क्लियर. ये वचन बहुत स्पष्ट है दैट हियर दिस स्क्रिप्चर इज वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट टू जज क्रिटिसाइज एंड कंडेम. दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है. बट वी नीड टू नाउ द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 7 और यहूना 7 मेरे साथ खोलें. यू नो जॉन चैप्टर 7 यहूना अध्याय 7 एंड वर्स 24 और 24 आयत 7:24. इट्स वेरी क्लियर. जज नॉट अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस बट जज राइटियस जजमेंट. मुंह देखा न्याय ना करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो. यस सो जज नॉट बट जज न्याय ना करो पर न्याय करो. यस सो वी सी दैट वी आर नॉट टू जज क्रिटिसाइज एंड कंडेम दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारी जिम्मेदारी. वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट. हमें ऐसा नहीं करना है कि हम दोष ना लगाएं. बट जज पर हमें राइटियस जजमेंट्स ठीक तरीके से न्याय करें. यू नो मेनी टेक दैट वर्ड इंबैलेंस्ड वे और बहुत सारे लोग असंतुलित तरीके से इस वचन को लेते हैं. यस सो यू नो द एम्प्लीफाइड वर्जन सेज बी ऑनेस्ट इन योर जजमेंट and do not decide at a glance superficially and by appearances but judge fairly and righteously. There's a right judgment which we must do in our lives. apni zindagi ke andar theek theek nyay kar. stop judging by way things look but judge by what is really right. You must not judge by the appearance of things, but by the reality. जो प्रतीत होता है उस प्रतीति के आधार पर न्याय ना करो किंतु ठीक ठीक न्याय करो. Now when we, you know, so we see that many people use that word, we are not a judge. बहुत सारे लोग इस but remember, दोष मत लगाओ. We need to judge. पर हमें जरूरत है. In Matthew chapter 7 itself, और सातवां अध्याय कहता है मैथ्यू चैप्टर 7 और मती का सातवां अध्याय. यू नो एंड द लॉर्ड सेज इन वर्स 6 और छठवीं आयत में प्रभु कहते हैं. नाउ दिस इज व्हाट द लॉर्ड हिमसेल्फ सेज. प्रभु ने स्वयं ने ये बात कही. गिव नॉट दैट व्हिच इज होली अंडर द डॉग्स. पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो. Now, if you do not judge, how can you know which is dog or not? यदि आप जानते ही नहीं है. He's not talking about natural dog here. यहाँ पे जो है स्वाभाविक कुत्तों की बात नहीं हो रही है. See, give not that which is holy
unto the dogs. जो पवित्र है उन वस्तुओं को कुत्तों को ना दो. Yes, it's not talking about natural dogs. और यहाँ पे एक स्वाभाविक कुत्ते की बात है. Talking about people. पर लोगों की चर्चा हो रही है. Now, how do you know? कैसे आप जानेंगे? What kind of people they are? किस प्रकार के लोग हैं? Unless you judge. जब तक आप उसे जांचे नहीं. Unless you discern. जब तक उसे जांच ना ले. So many people use that word to cover themselves to live a compromising life. अपने आप को ढांप के और समझौतों का जीवन जीने वाले वो अपने इस वचन को अपने लिए छुपने के लिए उपयोग करते हैं. You know, to be with everybody. ताकि वो हर एक के साथ हो जाएं. That fellowship and love and unity give, you know, have precedence over the truth. और प्रेम और सहभागिता और एकता सत्य के ऊपर. Please don't judge them. That's not right for us. और ये ठीक नहीं है. They are good people. They love the Lord. But the Lord says here, do not throw the holy under the dogs. पर प्रभु कहता है कि पवित्र. Neither cast your pearls before swine. और अपने मोतियों को सुअरों के आगे मत डालो. Now the swine is also figurative. और फिर यहाँ पे हम सुअर का. It's speaking about a kind of people. इसका मतलब है किस प्रकार के लोग. Lest they trample them under their feet. कि ऐसा ना हो कि वे. And turn again and rend you. और वे पलट कर तुमको फाड़ डालें. Yes, it's not talking about or you know natural swine and it's talking about dogs. It's figurative. और ये कुत्तों और सुअरों को नैसर्गिक रूप से नहीं पहचान रहा. So unless you are able to discern, how will know such people? अगर आप ये जांचेंगे नहीं पहचानेंगे तो कैसे. Do not misinterpret the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन का गलत उपयोग. Wrongly dividing the word of God. व्याख्या ना करें. We need to differentiate between the true anointing and false anointing. सही अब सही अभिषेक को और गलत अभिषेक को पहचानना में आना चाहिए. If we are forbidden to judge, how will we know? If we are forbidden to judge. और यदि हमने न्याय को दरकिनार कर दिया है तो how can we judge? तो कैसे हम न्याय करेंगे? How can we tell the difference between true doctrine and false doctrine? और फिर सही जो सिद्धांत शिक्षा है और झूठी शिक्षा से कैसे फर्क करेंगे? Those who are walking in the spirit. जो लोग आत्मा में चल रहे हैं. Walking in the spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा में. And those who are walking another spirit. और जो लोग दूसरी आत्मा में चल रहे हैं. If we cannot judge anyone. यदि आप उसको जांचे नहीं. Or anything. और यदि ऐसी चीजों को ना. How can we know what is false and what is true? कैसे आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? Remember, brothers and sisters, मेरे भाइयों, do not be deceived by this man. इन चीजों के द्वारा, in order to remain clean, आप भरमाए ना जाएं. In order to remain clean, और शुद्ध रहने के लिए, we must discern. और हमें जांचना और भापना बहुत जरूरी है. We must discern between that which is evil and that which is good. और जो बुरा है और जो अच्छा है इसके बीच में भेद करना हमें आना चाहिए. We read in the book of 1 Corinthians chapter 2. और पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में हम देखें. 1 Corinthians chapter 2. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2. First Corinthians chapter 2. पहला कुरिन्थियों. And verse 15. 15वीं आयत. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता. Yes. So if you are a spiritual man, यदि आप आत्मिक व्यक्ति, you must judge all things. तो फिर सारी चीजें आपको जांच. This is what Paul says. जैसा कि पौलुस कहते हैं. You know how people divide the word. कैसे लोग wrongly गलत तरीके से वचन को. Oh, we should not judge. क्या हमें Let's not judge them. It is God who judges. Fine. केवल प्रभु है जो लोगों का न्याय. We have no authority to condemn anybody. और हमें कोई जो है अधिकार नहीं कि हम किसी को. But we have to judge. पर हमें तो जांचना है. Judge righteously. और ठीक-ठीक तरीके से. Now let me just read this from this book of from Amplified. और विस्तारित बाइबल से पढ़ना चाहूँगा. Yes. I'll read from NLT first. पहले NLT से. Hallelujah. Those who are spiritual can evaluate all things. Evaluate. All things. That they themselves cannot be evaluated by others.
पर वे किसी और के द्वारा जांचे नहीं जाते। Yes, let me just read from Amplified. विस्तारित बाइबल से पढ़ूंगा। But the spiritual man tries all things. He examines, he investigates, he inquires into, he questions, he discerns all things. Hallelujah. A spiritual man. एक आत्मिक व्यक्ति। He examines, हर चीजों को जांच, investigates, और उसकी वो जांच, inquires into, और पूछता है, he questions, और प्रश्न करता है, is this of God? क्या पूछा, इज दिस ऑफ मैन, क्या आदमी के द्वारा है, इज दिस ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के, इज दिस द माइंड ऑफ गॉड, ये क्या परमेश्वर, और इज माय ओन माइंड, या ये मेरे, इज समबडी एल्सस माइंड, या किसी और की जिंदगी से, हालेलुया, दैट्स अ स्पिरिचुअल मैन, वो है आत्मिक व्यक्ति, बट समबडी टुडे द चर्च टीचेस द अदर थिंग, और कलीसिया है, डोंट जज एनीबॉडी, डोंट जज एनीबॉडी, कि किसी को न्याय ना, डोंट डू दैट, और ऐसा ना करो आप, they're also believers, aur baby they're also hai. God's children, wo bhi parmeshwar ke, they're also called Christians, aur baby masi kehlate hain, you know the command to love the brethren all men does not mean we must compromise with people, the command to love, ki unko aage dete ki hame prem karna hai, the Lord says love, कि प्रभु ने कहा कि प्यार करो, द कमांड टू लव, कि हमें प्यार प्रेम करना, the brethren, अपने भाइयों से, और ऑल मेन, और सभी से, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं, दैट वी मस्ट कॉम्प्रोमाइज विद पीपल, कि हम जो लोगों के साथ समझौते कर लें, और कम अंडर देयर स्पिरिट्स दे वॉक अंडर, और उनकी आत्मा की अधीनता में आ जाएं जिसमें वो चलते हैं, यस, दैट डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है, दैट्स व्हाई हाउ मेनी इंटरप्रेट, और कितने लोग इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट एट ऑल, इसका अर्थ तो ये सब नहीं है, लव दैट डज नॉट मीन कॉम्प्रोमाइज, प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि समझौते कर लो, लव हैज टू डू विद आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल, और प्रेम का मतलब ये कि ये हमारा एक रवैया दूसरे के प्रति है, लव हैज टू डू विद आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, और प्रेम का जो हमारे से मतलब है वो ये कि लोगों के प्रति हमारा प्रेम हो, ये रवैया, लव हैज टू डू विद आवर एटीट्यूड, वो हमारे रवैये के साथ उसका मतलब है, यस, लव, ये हमारा रवैया हैज टू डू विद आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, और लोगों के प्रति हमारा जो प्रेम है वो रवैये में प्रकट होना चाहिए, यस, रवैया के बारे में दर्शाता है, ओके, या दैट्स व्हाट इट डिनोट्स, इट स्पीक्स अबाउट आवर एटीट्यूड, ये हमारे रवैये को इंगित करता है, द लव डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस, प्रेम का मतलब ये नहीं कि हमने स्वीकार कर लिया, हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझ लें, Love has to do with our attitude towards those people. और लोगों के प्रति जो हमारा प्रेम है वो रवैये से प्रकट। When the Lord says love, कि प्रभु ने कहा कि प्रेम करो, love all men, कि हर एक इंसान से प्रेम करो, what does that mean? इसका मतलब it talks about our attitude towards those people. हमारे हमारा रवैया लोगों के प्रति। It does not mean our acceptance. इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी स्वीकार योग्य और our participation in their behavior, their beliefs and their lifestyles. उनके जो आस्था है, उनकी जिंदगी की जो शैली है और उनके विश्वास के प्रति जो I want to tell you brothers, many have to be delivered today. परमेश्वर हमें उन चीजों से छुटकारा दे। Today, आज, many of us have to be delivered today by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें इन चीजों से छुटकारा मिले। Many of us are in that confusion. क्योंकि कई लोग संदेह की अवस्था में। Love all doesn't mean that accept all. और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हर एक को स्वीकार कर लेना। Or participate in their behavior, in their beliefs. And in their lifestyle, no. उनके जीवन शैली के साथ, व्यवहार के साथ हम I know there are many even in our fellowships who are struggling and struggling in this area. और इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे हमारी इस सहभागिता में Let the word of God deliver you today and deliver me today. और मुझे और आपको आज परमेश्वर का वचन इससे छुटकारा देगा. Love all the command of love. Means our attitude towards people.
हर एक से प्रेम करना ये हमारा रवैया है दूसरों के प्रति. Not our acceptance of them. ना कि उनको स्वीकार युक्ति और participation in their behavior, beliefs and their lifestyle. उनके साथ इन चीजों में सहभागी नहीं होना है जो कि उनकी शैली है, व्यवहार है और उनके जो आस्थाएं हैं. You can totally reject and denounce even a fellow believer's behavior. और बल्कि हमारे जो से विश्वासी हैं यदि उनका भी इस पर रवैया तो हमें उनके साथ भी जो है उन्हें अस्वीकार कर देना है. Yes, we can do that. हमें करना है. And yet still love him. और तो भी हमें प्रेम करना है. Suppose there's a believer. और मानो कि एक कोई विश्वासी है. His lifestyle is not right. और उसका जीवन शैली ठीक नहीं. His behavior is not right. उसका जो व्यवहार है ठीक नहीं. You can reject. आप उसे अस्वीकार कर. You can denounce. आप उसको अलग कर दें. That person. उस व्यक्ति को. Yet love him. जबकि उसे और फिर प्रेम भी करते हैं. How is that possible? You may ask me. आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव है? That you have a right attitude towards him. क्योंकि आपका प्रेम का जो रवैया. You have no hatred towards him. आप कोई घृणा नहीं करते उससे. You are not hating. आप उससे घृणा नहीं कर रहे हैं. You have a right attitude towards him. उसके प्रति आपका सही रवैया. But you denounce his lifestyle. पर उसकी जो जीवन शैली है उसको आप अस्वीकार करते हैं. You can denounce his doctrine. उसकी जो शिक्षाएं हैं उसको आप अस्वीकार. You can denounce his faith. उसके जो विश्वास को आप छोड़ देते हैं. And yet you can love him. तो भी आप उससे. By having a right attitude towards him. क्योंकि आपका सही नजरिया उसके प्रति. By not keeping grudges and hatred in your heart. किसी प्रकार से उसके प्रति कोई बैर भाव आपके हृदय में नहीं है. By a willingness in you to help him. बल्कि आप इच्छुक हैं उसकी सहायता करने की. That he may be delivered from that condition. ताकि उस अवस्था से उसका छुटकारा हो जाए. For which you pray for him. इसीलिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं. That you can do. और वो आप कर सकते हैं. That you can do. वो आप कर सकते हैं. But that does not mean. इसका मतलब ये नहीं. Love does not mean receive him. कि प्यार का मतलब ये नहीं. Accept him. कि उसको स्वीकार कर लिया. Participate in his lifestyle. उसकी उन सारी जीवन शैली को आप.